Frog Brain. पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक की रिफाइनरी को उड़ाने का प्लान अच्छा नहीं था। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि ये प्लान अच्छा नहीं था, पर देखा जाए तो आतिशबाजी कमाल की थी। फ्यू, सच में कमाल था जब वो जगह। अब हमें बस इस गुफा को पार करना है और फिर हम घर पहुंच जाएंगे। उसमें हा? एक प्रॉब्लम है इलाई, हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे जबकि हर तरफ ये लगे हुए हैं। तुम लोगों को पता है क्या ये ठीक नहीं है? प्रॉम्प्टर को भी लगता है कि ये बुरा है। बुरा? ये बहुत बुरा है जी। वो अकड़पन कहाँ है और योग्यता? देखो, अब लग रहा है ना कि मैं वांटेड हूँ। शायद उन्होंने जल्दी जल्दी में बनाया होगा, लेकिन हमें बाहर निकलना होगा। बिल्कुल इसी वजह से मैंने सबको यहाँ पे अपना दिमाग लगा के बुलाया है जी। एक बंद गली में। नहीं कॉर्ड, बंद गली में नहीं, ये खुफिया जगह पर जहाँ से निकल सके। ये कौन सी जगह है? ये रास्ता बिल्कुल नदी के किनारे निकलता है। पता है जब मैं छोटा था तो यहाँ पे समुद्री मेलानॉइड हुआ करते थे जी। और वो कौन सा दिन था? मुझे लगता है मंगलवार था। मैंने इस जगह के बारे में सुना है, स्लग टेरा के नीचे का जल मार्ग, पर सालों पहले यहाँ से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। वो आ रहे हैं। और हमारे पास भागने के लिए जगह नहीं है। मेकास को यहीं छोड़कर तैर कर जाए? मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। बढ़िया। वाओ। दिखावा है। मैंने तुम सबकी भी ऐसी ही बनाई है। वो पीला बटन दबाओ। शेन गैंग दक्षिण की तरफ फ्लूम्स में जा रही है। मैं नहीं जानता था कि हमारे मेका बीस तैर सकते हैं। ओ, ऐसा और बहुत कुछ है जो ये कर सकती है। ये मुझे सूखा भी रख सकती तो अच्छा होता। गॉड, क्या सच में तुम्हें पानी पसंद नहीं? सच कहूँ तो मैं साल में बस एक ही बार नहाता हूँ, और वो भी किसी के शिकायत करने पर। हाँ तो मैं अभी शिकायत करता हूँ कि तुम सिर्फ साल में एक ही बार नहाते हो। वैसे इन फ्लूम्स रास्तों का कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर क्यों? हाँ, कोई गीले गीले रास्तों से क्यों सफर करना चाहेगा जब आपके पास एक शानदार आलीशान स्लग टेरेन एक्सप्रेस हो। उन्होंने हमें जाने क्यों दिया? अब अगर हम रुके हुए हैं तो हम हिल क्यों रहे हैं जी? शायद जल्दी पता चल जाएगा। पीछे चलो, चलो जल्दी। Ah!
डरने की जरूरत नहीं है जी, मेरा समुद्री अनुभव कहता है कि इससे बुरा अब आगे कुछ नहीं हो सकता। क्या ये कहना जरूरी था? ऊपर करो बच्चों, तुम बिना इजाजत कैवन सीज के मास्टर मालवोलियो ड्रेक के इलाके में घुस आए हो। वो 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 वो, वो एक मिनट, हम यहाँ आए नहीं हैं, हमें बस यहाँ लाया गया है। ये अंडरटो गुफा है बच्चों, और यहाँ सिर्फ मैं बिजनेस करता हूँ। पर कौन सा बिजनेस? मैं तुम्हें क्या कोई अकाउंटेंट नजर आता हूँ या एक कपड़ा बुनने वाला? मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो फिरौती होगी तुम्हारे आधे स्लग्स। और तुम्हारी बात नहीं मानी तो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम शार्क्स का खाना बनोगे। अगर वो हमें पकड़ सके तो? तो प्लान क्या है इलाय? चलो भी, हमारे मैकाज उस बड़ी शिप से तो तेज ही होंगे, है ना? मुझे नहीं लगता कि वो उस शिप से हमारा पीछा कर रहे हैं। मिस्टर वॉट्स, कहिए कैप्टन, बता दो उन्हें कि फ्रॉस्ट क्रॉलर्स किस तरह की गोलाबारी करते हैं। उनके पास तोपे हैं, अब ये मत कहना वो चलती भी है। हम इतनी दूर आ गए हैं कि उनकी सीमा रेखा से बाहर निकल गए होंगे। मुझे लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। तैयार हो बॉबी? मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था। लगता है तुम्हारे तोपों में दम नहीं है। अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दिखा दो उन्हें कि हम क्या चीज हैं। जय गाम से। ठीक है, हमने तुम्हारी बात मानने का फैसला कर लिया है, और कुछ लक्ष तुम्हें हम दे देंगे। अच्छी कोशिश थी बौने, पर कीमत बढ़ चुकी है। अब मुझे सारे स्लग्स चाहिए, और तुम सब मेरी गुलामी करोगे। दिल पर मत लेना बच्चों। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं कब से इस हिस्से को धो रहा हूँ, पर ये तो साफ ही नहीं हो रहा। ये नामुमकिन है। क्योंकि तुम्हें धोना आता ही नहीं, एक शिप पर तुम्हें उल्टी दिशा में धोना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और मैं तुम्हें एक दुखदायक जानकारी बताऊंगा कि तुम्हारी गलती क्या है, और मुझे तुमसे ज्यादा बताएगी। और तुम कह रही थी इससे बुरा क्या होगा? हा? सावधान डेक मंकीज, कैप्टन ड्रेक आ रहे हैं। तुमने कहा था तुम्हारी हमसे दुश्मनी नहीं है। इतने खुश मत होना बच्चों, मैं एक समुद्री डाकू हूँ। तुमसे काम करवाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वैसे लगता नहीं कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। यही बात तो वही समझा रहा था, इनसे उल्टी दिशा में साफ करने के लिए मैं कह रहा था। इससे हमें यहाँ काम नहीं कराना चाहिए। हाँ, देखा तुमने, आखिर तुम्हें एक सेलर का हुनर पता चल ही गया। हाँ, पता चल गया कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, पर इस सुनसान समंदर में मन बहलाने वाले आसानी से नहीं मिलते। क्या तुम मेरे कैबिन मूल बनना चाहोगे? मेरी तरक्की होगी।
तो तरक्की मिलने के क्या क्या फायदे हैं जी, जरा बताएंगे। एक फायदा ये है बच्चू कि उस बंदर की तरह तुम्हें शार्क्स को खिलाया नहीं जाएगा। उसे नीचे फेंक दो। जान बची तो लागो भाई जी, मुझे मंजूर है। और अब मैंने तुम पर बहुत मेहरबानी कर ली, वक्त है तुमसे असली काम की बात करने का। मैंने लूटे हुए सारे खजाने में ये वाला सबसे कीमती है। देखो, जब से मैंने समुद्री डाकू बनना शुरू किया तब से जमा किए हुए मेरे टोनेल सुंदर है ना? तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मेरा हर एक हिस्सा कुछ खास है, यहाँ तक कि मेरे टोनेल्स भी। बूबी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पास यहाँ सैकड़ों स्लग्स हैं। आखिर तुम्हें ये सब किस लिए चाहिए? किस लिए? सबसे ज्यादा स्लग्स पाने के लिए। इसी तरह तो हम समुद्री डाकू गेम खेलते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा स्लग्स वो जीता। ऐसा मत करो। मेरे मिमकी से दूर ही रहो बच्चे। इस शिप पर जितने भी तुम जैसे बंदर हैं, उनसे ये कई ज्यादा कीमती है। और मेरे खजाने के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। फैंग की तुम पर नजर रहेगी। अब काम करो डेक मंकीज। तो सिर्फ इन्हें ही काम करना है ना, मैं तो आराम करूं। हाँ, अरे नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। कुछ खास? देखो, मैं कैबिन में काम नहीं करना चाहता जी। रोको ही ना, इन्हें रोको प्लीज, रोको। अरे नहीं, रोको। ठीक है, तो अगर हमने फैंग को चकमा दे भी दिया तो भी हमारे मेकास को उन्होंने अपनी कैद में रखा है और चारों तरफ शार्क्स और समुद्री डाकू हैं। हाँ, और इससे भी बुरा, हम यहाँ कैद में हैं और प्रॉन्टो ऊपर मजे कर रहा है। इसमें प्रॉन्टो की गलती नहीं है, मेरी है। मैं बिना प्लान के रिफाइनरी पर हमला नहीं करता तो हम यहाँ नहीं होते। डॉक्टर ब्लैक को जिनकी तलाश है वो तुम्हारे पास है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लगता है भाग निकलने का यही सही मौका है। रुको, इसके लिए हमें पहले एक प्लान बनाना होगा। तो चलाओ। ये प्लान कैसा है? संभल कर। लॉक है, हम फंस गए। बोपी, क्या तुम सब ठीक हो? बोपी, ये तो ब्लैक की शिप है। अब यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जब वो हमें बम से उड़ा देंगे। लगता है अब हम भाग सकते हैं। समुद्री डाकू, तुम वहाँ से उनका ध्यान अच्छी तरह खींच रहे हो। पर मैं तो तुम्हारा कैबिन मोल हूँ ना। हाँ, और तुम भी वही कर रहे हो जो वो करते हैं, ध्यान खींचना। तुम्हारा बॉस मिस्टर ब्लैक इस बिग डैडी ड्रेक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें भी मेरा गुलाम बनना होगा। अब तुम ये जान लो कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है। ये सच नहीं है सर, हमारे कैदी भाग रहे हैं और उनके पास हमारा खजाना है। टोनेल्स को छोड़कर उन्होंने मेरा खजाना चुराया। कोई एक लुटेरे को नहीं लूट सकता, ये बहुत बुरी बात है। उड़ा दो उन्हें। हमें ऐसा करने से पहले तोपों को फिर से भरना होगा। तो फिर से भरो अभी। इसे ठीक करना ही होगा वरना हम फिर से पकड़े जाएंगे। हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं। बचाओ, बचाओ। तुम क्या कहती हो, उसने काफी कुछ झेल लिया है। हाँ। ड्यूटी पर हाजिर आई जी।
हो। तोपे तैयार है सर। मिस्टर वॉट्स, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक शिप को डुबाना बेकार है अगर उस पर सवार कर्मचारियों को पकड़ सको। जी सर। पर आज हम उन्हें डुबाएंगे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझे? तैयार, निशाना लगाओ और फायर। दोस्तों ये शुरू हो गया, तो फिर चलो। जिंदा बच के जाने ना पाए। जब मैं पायरेट स्कूल में था तब से मैंने ऐसा घटिया प्लान नहीं देखा है। शिप को 3 डिग्री घुमाओ, फिर हम उन्हें पकड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेंगे। हमारा मुकाबला भले ही हमसे दुगने आकार की शिप से हो, पर डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार मेरे पास एक प्लान है। कोहरे की वजह से वो हमें देख नहीं पाएंगे। सब लोग पकड़े रहो। वो पत्थरों की तरफ जा रहा, पर वो उसे पार नहीं कर पाएगा। वो ये बंदर तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। शिप को दूसरी तरफ ले चलो, हम उन्हें वहां देख लेंगे। मुझे ऐसी प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। आगे पत्थर है। क्या? ये क्या? कोई भी शिप कैप्टन ऐसा नहीं करता। पर वो ऐसा कर रहा है। कैसा चल रहा है? चलो देखते हैं। तुमने मेरा खजाना चुराया, मेरी शिप को तोड़ा, पर यहाँ आकर मैं जीत गया। सर, शिप डूब रही है। अगर हमें डाकू गेम खेलते रहना है तो अगर मेरी शिप डूबेगी तो मैं भी साथ में जाऊंगा, और वो भी। दोस्तों, कैप्टन कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए हैं। अगर हमें शाक का खाना नहीं बनना है तो हमें दूसरी बोट में जाना होगा। ठीक है मिमकी, दिखाओ अपना कमाल। ये कैसे? कमाल सिर्फ मिमकी कर सकता है बच्चे। जो एक स्लग करता है ये उसकी बिल्कुल सही नकल करता है। देखो वो रहे हमारे मेटास। वैसे इन्फर्नस जैसे पावरफुल स्लग पर भरोसा करना असल में अच्छा प्लान है, पर तब नहीं जब तुम्हारा सामना मेरे मिमकी से हो। हाँ, वैसे मानना पड़ेगा कि मुझे प्लानिंग करनी आती नहीं है, तो चलो हो जाए। हाँ?
से बाहर निकालो। ओ, तुम्हें लगा कि मैं इस बार भी बोपी का ही इस्तेमाल करूंगा? हाँ, लगता है आखिरकार मैं प्लान बनाना सीख गया हूँ। इलाय, चलो। तो ड्रेक के बोट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुंदर है। तुम्हारे इस बुरे बर्ताव ने इस कैबिन मॉल को बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है, इसलिए मैं काम छोड़ रहा। याद रखना, उल्टी दिशा में। हमारी दुश्मनी नहीं है, याद रखना। नहीं, मेरे स्लग्स, मेरा खजाना मुझे वापस दे दो। तुम एक लुटेरे को नहीं लूट सकते। पता है इलाई, ये स्लग्स जो ड्रेक ने पकड़े थे, इनसे एक बहुत बढ़िया स्लग आर्मी बन सकती है। तुमने सही कहा, बन सकती है, पर मैं इस तरह कोई पायरेट गेम नहीं खेलता। तो बताओ, तुम्हें घर वापस कैसे जाना है? मुझे लगता है अब जबकि वो समुद्री डाकू नहीं रहे, हम फ्लूम से जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इतना नहा लिया है कि अब अगले 5 सालों तक नहीं नहाया तो भी चलेगा। क्या तुम्हें देखना है कि अगर मैं 10 सालों तक नहीं नहाया तो मेरे शरीर से किस तरह की बदबू आएगी? हम रास्ते से ही जाते हैं। बिल्कुल, यही ठीक रहेगा।